Good morning, students. Today, you are going to study your chapter number 6, the pronoun. Read the following sentence carefully. आपको यहाँ कुछ sentences दे रखे हैं, उसे अच्छे से read करो. Anil Sharma is a doctor. Anil Sharma lives in Delhi. Avni is a beautiful girl. Avni is a singer. Neha and Bharti are sisters. Neha and Bharti play together. Do the above sentence look attractive? आपने अभी जो sentences read किए, क्या आपको लगता है ये attractive है? No, because in these sentences, the nouns Anil Sharma, Avni, Neha and Bharti have been repeated again and again. नहीं है ये attractive. क्यों? Reason क्या है? क्योंकि इन sentences में जो आपके nouns है, जैसे कि Anil Sharma, Avni, Neha and Bharti, ये बार बार repeat करे जा रहे हैं. So now, these sentences are written in the following way. तो इन sentences को आपको किस तरह write करने चाहिए थे? देखो, Anil Sharma is a doctor. He lives in Delhi. सो अनिल शर्मा नाउन था, आपने उसकी प्लेस पे यूज़ किया ही. अवनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ सिंगर. नेहा एंड भारती आर सिस्टर, दे प्ले टुगेदर. सो इस सेंटेंसेस में आपके जो नाउन्स थे अनिल शर्मा, अवनी एंड नेहा, ये किससे रिप्लेस हुए? ही, शी एंड दे. अब ये जो आपका सेंटेंसेस है अट्रैक्टिव भी दिख रहे हैं, और आपके ही, शी एंड दे जो है, इन्हें ही आप प्रोनाउन बोलते हैं जो आपकी नाउन की प्लेस पर यूज़ होते हैं. So you can say the word which is used in place of noun is called the pronoun. So जो words आपके noun की place पे use होते हैं उसे आप कहते हैं pronoun. Remember it, he, his, him. ये आप किसके लिए use करते हैं? एक boy या एक man के लिए, और एक girl या एक woman के लिए आप क्या use करते हैं? She, her और hers. It and its, ये आप usually animal, place और things के लिए use करते हैं, जिन और उन चीज़ों के लिए जिनकी अपनी life नहीं होती है. They, theirs, their, theirs, them. ये आप एक person, जो एक से ज़्यादा person हो, animal है, place है या thing है, ये उनके लिए use किए जाते हैं. Then I, my, me, mine. ये self person के लिए use होते हैं. Then we, our, ours, us. ये आपके self के लिए use होते हैं जब एक से ज़्यादा लोग हो. Then practice time. Rewrite the following sentences using suitable pronouns. अब आपको यहाँ पे कुछ sentences दे रखे हैं, आपको इसे read करने हैं, pronouns use करते हुए sentence frame करने हैं. So Deepak is funny. I like Deepak. So Deepak and Deepak दो time repeat हुआ है. So आप Deepak के लिए क्या use करेंगे? Him. Deepak is funny. I like him. Anshi is in class first. The teacher likes Anshi. So Anshi and Anshi repeat हुआ. So देखो, Anshi is in class first. आपने फर्स्ट सेंटेंस में नेम बता दिया, सो द टीचर लाइक्स हर. फिर आप अंशी की प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जैसे कि हर. देन नानू इज़ अ गर्ल, नानू इज़ अ डांसर. नानू, नानू टू टाइम्स रिपीट हुआ है, सो नानू इज़ अ गर्ल तो आपने राइट किया. सेकंड सेंटेंस में आप नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ पे यूज़ किया है शी, शी इज़ अ डांसर. ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Then find out the pronoun and write them in the space given. अब आपको यहाँ पे pronoun find out करने हैं, और जो space दे रखी है वहाँ write करेंगे. So क्या pronoun है यहाँ पे? I am a farmer. So I is here a pronoun. So आप I को यहाँ पे write कर देंगे, जिसे मैंने write कर रखा है. You are a student. So you here is pronoun. So आपने you write किया. He reads a book. He is pronoun. So आपने he write कर दिया. It is my pet. It is a pronoun. So आपने it write किया. Naman gave me a book. So Naman is a नमन गेव मी अ बुक मी इज अ प्रोनाउंस आपने मी यहाँ पे राइट कर दिया. सी क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग प्रोनाउंस इन योर सेंटेंसेस. आपको ये प्रोनाउन को सेंटेंसेस के साथ फ्रेम करना है. सो ये आप अपने सेल्फ भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लाइक आई लिखा है, तो आई का मैंने क्या लिखा? आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रही हूँ. इसी तरह से आप ये सेंटेंसेस अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हैं. सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट.